महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मुंबई के बाद नागपुर में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई के बाद नागपुर में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर दावा किया है कि बांग्लादेशी व पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या शहर में तेजी से बढ़ रही है। उनकी संख्या के 45,000 से अधिक होने की आशंका जताते हुए घुसपैठियों को नियंत्रित करने की मांग की है। मनसे के प्रदेश महासचिव हेमंत गडकरी के नेतृत्व में मनसे के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे एवं पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में कहा गया है कि पार्टी ने 9 फरवरी को घुसपैठ के खिलाफ मुंबई में मोर्चा निकाला था। मुंबई की भांति नागपुर में भी समस्या खड़ी हो गई है। इन घुसपैठियों की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। करीब 45,000 घुसपैठिए होने की चर्चा है। अधिकांश पूर्व, उत्तर व मध्य नागपुर में रहते हैं। समय रहते अगर उन पर काबू नहीं किया गया तो भविष्य में ये बड़ी समस्या साबित होंगे। प्रतिनिधि मंडल में शहर अध्यक्ष अजय ढोके एवं विशाल बड़के, शहर उपाध्यक्ष प्रशांत निकम एवं रजनीकांत जिसकार, सचिव घनश्याम निखाड़े व श्याम पुनिया ने, महिला सेना शहर अध्यक्ष मनीषा पापड़कर व संगीता सोनटक्के, विभाग अध्यक्ष उमेश बोरकर, चंदू लाड़े, पिंटू बिसेन, रंजित साडे, मनवीर सिंह के शहर अध्यक्ष आदित्य दुरुकर, महेश माने, रोहित अलोनी, अभय व्यवहारे, शुभम पिंपलापुरी आदि शामिल थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।